Good morning students, this is your maths class. From today onwards your classes has been started and the first class of your academic session is maths. So for that which book you have to refer, आपको जो book refer करनी है वो है नूतन. Actually refer भी यही करनी है और आपकी book रहेगी भी यही नूतन. आपके पास NCERT का भी option रहेगा लेकिन बेटा NCERT आप घर पर प्रैक्टिस के लिए यूज़ में ला सकते हैं, पर इन जनरल हम जिस बुक से आपकी प्रैक्टिस हम करवाएंगे वो आपकी नूतन है और इसका पब्लिशर है RB त्रिपाठी. सो ये आपकी बुक है और आज से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे. फॉर दैट आई विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास इज That is your Nutan RB Tripathi. The first chapter of your class is Set Theory. आप लोग इस बुक को जल्दी से जल्दी खरीद लीजिएगा. आज तो मैं आपको क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको लिख कर दूंगी. तो ज़रा आप इस बुक को लिख खरीद लीजिएगा, फिर आप खुद से ही उस बुक से क्वेश्चन देख पाएंगे. नाउ आपकी आज की क्लास चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट होगी और थोड़ा मैथ्स पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है बिकॉज 11th की मैथ्स आपकी ऐसी मैथ्स नहीं है कि आप उसको ईजी गोइंग में लें. 10th की बुक आपकी बहुत पतली बुक थी लेकिन 11th की मैथ्स एक अच्छे लेवल की बुक होती है. आप उसको अच्छे से पढ़िए. यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ नाउ हायर मैथमेटिक्स और हायर मैथमेटिक्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं बोलूँगी लेकिन हाँ, आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो इस मैथ्स क्लास से आगे निकलना मुश्किल हो जाएगा. तो आपकी फ़र्स्ट ड्यूटी, फ़र्स्ट प्रायोरिटी, फ़र्स्ट सिचुएशन सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करना है. आपको जो रोज़ होमवर्क दिया जाता है, जो रोज़ प्रैक्टिस कराई जाती है, उस पर प्लीज़ अच्छे से कंसंट्रेट कीजिए और रोज़ अपनी प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस मैथ्स की रूटीन की आदत डाल दीजिए. तो ही आप मैथ्स में इंटरेस्ट भी फील करोगे और आपको मैथ्स अच्छा भी ज़्यादा लगने लग जाएगा. नाउ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर 11th क्लास ऑफ हायर मैथमेटिक्स इट इज़ सेट थ्योरी चैप्टर 1. फर्स्टली डेफिनेशंस हैं तो डेफिनेशंस मैंने लिख कर रखी है. आप भी उस डेफिनेशंस को अच्छे से देख लीजिए, रीड कर लीजिए और आप कॉपी बना भी लीजिए. आपको नोटबुक बनानी पड़ेगी. नोटबुक में आप एक रजिस्टर बनाइए और जैसे जैसे आपकी क्लासेस चलती जाएंगी उसमें आप उसको कंटिन्यूएशन में अपनी नोटबुक में अपना रिटर्न वर्क करते जाएं. और प्रैक्टिस के लिए आप अपनी रफ बुक यूज़ कर सकते हैं, पर आपको जो होमवर्क मिलता है वो भी आप आपकी क्लास वर्क नोटबुक में करेंगे. सबसे पहले हमने बात करी सेट. आपका चैप्टर का नाम ही सेट है, SET सेट. इस सेट का मतलब क्या होता है? आपने सबने सुना है बहुत सी बार सेट. सेट इज़ एक्चुअली कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ध्यान दीजिएगा, सेट का मतलब आपने जो पढ़ा है वो है कलेक्शन. हियर वी हैव कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड. यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है आपकी वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड का मतलब ऐसा होता है, इट मीन्स कि द थिंग्स दैट आर एक्सेप्टेड एवरीवेयर, जो हर जगह एक्सेप्टेड होता है उसी को हम वेल डिफाइंड कहते हैं. इट इज़ सेट टू बी द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स. आपको पता है कि इंडिया में कितने 29 स्टेट्स हैं, उनका अगर हम कलेक्शन कर लें तो ये आपका एक एग्जाम्पल होगा. कलेक्शन ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश. इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, आप उनको एक कलेक्शन में, एक सेट में लिख सकते हैं. सेट को बेटा, सेट को स्पेशली सेट को जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल लेटर्स से किया जाता है. कलेक्शन ऑफ सेट्स आर डिनोटेड इन कैपिटल लेटर्स और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स से डिनोट किए जाते हैं. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. एंड दे आर मतलब एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन. एलिमेंट्स को किस में प्लेस किया जाता है? ये ब्रेसिस में. ये ब्रैकेट्स हैं आपके, आपको कर्ल ब्रैकेट पता है, ये कर्ली ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को लिखा जाता है. तो ये आपके सेट के एलिमेंट्स हैं. अब इसके बाद मैं आपको और अच्छे से एग्जांपल आगे क्लैरिफाई करूँगी कि सेट एक्चुअली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं. ये जनरल डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बता दी. इसके बाद कुछ आपको नोट्स, कुछ नोटेशंस ध्यान रखने हैं. आपने इस नोटेशन को कभी पहले पढ़ा है कि नहीं? बाकी ये नोटेशन रहता है, इट इज़ सेट टू बी बिलोंग्स टू.
ये ई आपका कहलाता है बिलोंग्स टू. अगर आपने इस ई को कैंसिल कर दिया देन इट इज़ सेट टू बी नॉट बिलोंग्स टू. ये आपका उल्टा ए कहलाता है फॉर ऑल. ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए ये आपको नोटेशंस यूज़ होते हैं. तो अभी आपको मैंने नोटेशंस बता दिए, जनरल चीज़ें अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको. जनरल चीज़ों के बाद हम धीरे से आपके चैप्टर पर आएंगे. सबसे पहले अब आपको बेसिक नॉलेज के हिसाब से नंबर सिस्टम पता होना चाहिए. आपकी टेंथ क्लास तक आपने सारी चीज़ें पढ़ ली, रियल नंबर, इंटीजर्स, आपके रैशनल नंबर सब पढ़ा, पर आपको कुछ भी पता नहीं है, बेसिक्स कुछ भी नहीं पता है, वो मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ. सबसे पहले नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में आपके पास आते हैं नेचुरल नंबर. आप सब ने पढ़े हैं नेचुरल नंबर. कौन से होते हैं नेचुरल नंबर? 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फाइनाइट. इसमें कोई फ्रैक्शनल नहीं होता है, कोई नेगेटिव नहीं होता है, ज़ीरो नहीं होता है. ये आपका कहलाता है नेचुरल नंबर का सेट. और इस नेचुरल नंबर के सेट को डिनोट करते हैं हम कैपिटल एन से. देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा एलिमेंट्स ऐसे लिखे जाते हैं और इनको ब्रैकेट्स में लिखा जाता है तो ये सेट बन जाता है. फिर आपका दूसरा सेट नंबर सिस्टम में टर्म आता है होल नंबर. होल नंबर आपको पता है क्या होते हैं. होल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से. और ये आपके होल नंबर जो है इसमें एस इट इज़ टर्म्स